भाई, हाँ। भाई, तुम्हें एक चीज का पता है कि अपने विलेजर्स जो थे, थे, तो, हाँ? हाँ, थे सभी ओके तो गाइज वेलकम बैक हो गया आपका ब्रांड न्यू वीडियो में और आज आप लोग सोच रहे हो कि भाई साहब ये क्या करने वाला है तो आज हम लोग बनाने वाले भाई हीरो ब्राइन एसएमपी बिल्कुल सही उज्जवल भाई की हीरो ब्राइन एसएमपी में आज हम लोग बनाने वाले क्रेजी फ्लोटिंग हाउस मतलब फ्लोटिंग हाउस नहीं होगा बट ये पानी के ऊपर घर होगा और ये इतना क्रेजी घर होगा ना बता नहीं सकता ठीक है और बाकी मैंने पानी के ऊपर ही क्यों चुना इस घर को बनाने के लिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे जाके वीडियो में और ट्वेंटी थाउजेंड लाइक का बीस हजार लाइक का गोल रख रहे हैं अगर आपने अभी तक का लाइक नहीं मारा लाइक कर दीजिए प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल टू हंड्रेड के तरफ को बढ़ रहे दोस्तों जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो और चलो चलते हैं वीडियो की तरफ को अबे यू डाइड ने मारा है आई हैव बिन बीटन अरे भाई ईशान भाई खेल रहे हैं भाई मैं मर कैसे गया करनी। ईशान <laughs> भाई <laughs> रुको रोने वाला साइड में रहता हूं हम्म तो इसकी तो मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि मैं मरा कैसे कहीं हीरो ब्राइन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है मैं एक काम करता हूँ मैं ईशान भाई से थोड़ा बहुत सामान लेता हूँ आज का जो बिल्ड है जो हम मनाने वाले बहुत ग्रैंड है और बहुत ज्यादा बड़ा है यार मैं तुम लोगों को अगर दिखाऊं ना तो तुम लोग पागल हो जाओगे मैं तुम लोग कहोगे ओ भाई साहब ये क्या बनने वाला है भाई इतनी खतरनाक एस है ये यहाँ पर इतने खतरनाक खतरनाक ये टावर देख रहे हो तुम लोग भाई साहब तो भाई इतने खतरनाक खतरनाक बिल्ड्स के बीच में यार अगर मैं एक नॉर्मल सा घर बनाता ना तो मजा नहीं आता और तुम्हें पता है मेरा नाम जो है सेकंड चैनल का वो है गेमर फ्लीट तो गेमर फ्लीट मतलब होता है पानी में चलने वाली फ्लीटे जो होती हैं गेमर्स की तो मैंने कहा पानी में क्यों ना घर बनाया जाए तो देख रो नींव मैंने पूरी लगा दी है ठीक है अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बनाना है इसके ऊपर घर ठीक है मैं पहले सबसे पहले जाके ईशान भाई को ईशान भाई बस तीन डायमंड्स दे दो प्लीज उधार ठीक है मैं ईशान भाई से लेता हूँ तीन उधार और इनको मैं पक्का वापस करूंगा ठीक है ईशान भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट गाय मतलब समझ रहे हो ना तो यस ए बाप देखते हैं अगर ईशान भाई के पास डायमंड है तो थोड़े बहुत और पॉम्पी पता नहीं क्यों हल्ला मचाना शुरू कर दे भाई यार ईशान भाई देख रहे हो ये देखो ये अरे नहीं नहीं अरे नहीं नहीं अरे नहीं नहीं इतना नहीं यार ईशान भाई यार तम तो भाई यार अरे लव यू यार ईशान भाई रुको ईशान भाई को ऐसे एक पप्पी दे के जाएंगे हम लोग ओके okay, तो दोस्तों देखो अब हम लोगों क्या कर रहे हैं ना मुझे बहुत सारी चीजें पता चली जो हीरो ब्रांड एसएमपी में हो रही है मतलब समझ लो नॉर्मल नहीं चल रहा है सब कुछ देखो सबसे पहली बात तो मैं जब उठा तो मैं मरा हुआ था जो कि एक बहुत ही ऑट चीज है मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा मेरे पास लाइक बहुत सारी चीजें थी यार मेरे पास फॉर्चून थ्री वाली पिकैक्स थी और बहुत सारी चीज थी ये देख रहे हो ये देख रहा हूँ मैंने इतना सारा सामान सोचो जमा किया हुआ था यार लिटरली क्योंकि यार मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को ठीक है तो अब मेरे को क्या करना है ना? आप देखो मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा तो मैं अभी के लिए अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्स और एक पिकैक्स बनाने वाला हूँ ठीक है तो हम अभी के लिए डायमंड की एक एक्स एक और एक पिक एक्स बना लिया ठीक है बाकी का हम लोग सामान जितना भी हमारे पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने घर बनाने के लिए पहले से जमा कर दिया था एंड थैंक गॉड मैंने अपनी जेब में कुछ भी नहीं रखा मैंने सारा का सारा सामान तुम लोगों को दिखाने के लिए एक पहले चेस्टों में डाल दिया था ठीक है तो ये अभी के लिए घर है और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी बहुत मैंडिंग वैंडिंग मैंने क्या कह कहते हैं उज्ज्वल भाई से भी ट्रेड करके ली थी और ये देखो मेरा एक डायमंड यही ठीक है तो अभी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं अभी के लिए हम लोग को देखो एक टेम्पररी आर्मर तो अपने लिए बनाना ही पड़ेगा ठीक है <laughs> मैं यार लिटरली सोचा था कि ये स्टार्ट करेंगे और सीधे घर बनाएंगे बट मेरे ख्याल से अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रैप करना पड़ेगा तो मुझे तो दो मिनट में फट फट करके प्रेप मारता हूं तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले है? देखो जितने भी ये पिलर्स है ना जितने भी तुमको ये वाले पिलर्स देख रहे हैं ना पास वाले सेंटर से देखो मैं ये बना चुका हूँ ठीक है मैं तुम लोगों को एक बार ही ना एक हल्का सा लुक दे देता हूँ ठीक है ये मेरे को पूरा काट के नीचे का आना पड़ेगा पर मैं तुम लोगों को एक लुक दे देता हूँ कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीचे का नींव है घर की वो कैसी लग रही है देखो ये सेंटर है ये इधर को ऐसे है ये इधर को ऐसे है ये इधर को ऐसे है और ये इधर को ऐसे है तो वो एक तरह से एक ही स्ट्रक्चर है जो बार बार कंटिन्यूस एकदम दिख रहा है तो अब हम लोगों को शुरू करना है इस घर की नींव को बनाना ऊपर को ठीक है तो हम लोगों ने देखो साइड के जो कॉलम्स थे वो सारे के सारे कॉल... अरे यार तम यार अरे यार इनको बचाया भी नहीं जा सकता ठीक है तो हम लोगों ने साइड के सारे के सारे कॉलम जो थे फोर फोर कर दिया अब हम आते हैं इस साइड को अब इस साइड को जब हम आते ना तो हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों लो को बनाने पड़ेंगे पूरे के पूरे पूर तीन तीन के, के कॉलम ठीक है यहां पर सारे के सारे एक दो तीन ठीक है ऐसे करके रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे एक दो तीन एक दो तीन ओके okay, तो गाइज ये वाला एरिया सेक्शन जो था हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है ठीक है अब हम लोग जाते हैं अगले वाले सेक्शन की तरफ को अब देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है हम लोग को यहां पे क्या करना है पहले एक दो तीन तक का जाना है हाइट में और इसके बाद ये बनाना है ओ मेरे को नहीं पता था शेट कोई बात नहीं इसको दोबारा से तोड़ के अब नया लगाना पड़ेगा एक दो तीन और उसके बाद स्लैब ठीक है लेकिन अब यहां वाले के लिए हमको क्या करना है मैंने जो लास्ट टाइम किया था पांच वाला एक दो तीन चार पांच फिर अगले वाले में जाके एक दो तीन चार पाँच तो दोस्तों हमने ये वाला भी कर दिया है है ठीक पांच वाला अब हमें बस सिंपली इनको जोड़ देना है आपस में मेरे ख्याल से मेरे पास लॉग खत्म हो गए मेरे को लॉग्स और लेके आने पड़ेंगे रुको और ये एक और नया दिन माइनक्राफ्ट में ओके <laughs> तो हम लोग आ चुके हैं वापस से यहाँ पर हम लोगों ने देखो इतना एरिया कंप्लीट कर दिया ठीक है एक दो तीन एक दो तीन भाई ये सबसे यूनिक घर होने वाला है हीरो ब्राइन एस एमपी में मजाक से हटके ठीक इस है इसमें बहुत मेहनत लगी और बहुत ज्यादा ही प्रेप लगा है सामान जमा करने में लाइक लिटरली ब्रो इतनी लकड़ियां लगी ना इस घर को बनाने में मैं बता नहीं सकता अभी तो चल रहा है किसको पता और चाहिए होगा तो दोस्तों अभी हम लोग आगे इस वाले में ओह इसका ये कॉलम कहाँ गया ठीक है तो ये वाला थोड़ा सा थोड़ा सा दूसरों से ज्यादा कंफ्यूजन देखो ये तो ईजी है एक दो तीन ठीक है ये वाला तो सबसे ईजी रहता है ठीक है फ्लिट भाई हीरो चलते एक दो तीन ठीक है चलो देखते हैं ईशान भाई हमको क्या बताने के लिए बुला रहे अरे अज्जू भाई नैदर आर्मर अरे वो मैं नहीं गया था अभी ढाई घंटे बीच में, <laughs> में बाय बाय

ये। हाँ। ने जो अच्छे विलेज ना फ्लिट भाई पहले इसको सही कर हाँ। लगे आ, आ, हाँ। ने ने इधर छिपा तो हाँ पर... सीक्रेट।, सीक्रेट काम का चल रहा है गंदा वाला तुम मतलब सोच भी नहीं सकते भाई आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे दिखाता हूँ इधर से इधर आओ ये देख रहे हो अरे भाई ये क्या भाई यहाँ पे इन लोगों ने सभी के छिपा के रखा है विलेजर्स को जो अच्छे विलेज इसके इसके एक एक कौन से ट्रेडिंग कर रहे हो तुम देखो इनके पास से सभी चीजें तुम्हें नेक्स्ट लेवल वाली मिल जाएगी सस्ते में मिलेगी और वो तुम्हें महंगे में मिलेगी वाला लेक्चर है पे मतलब इन लोगों का प्लान क्या है फ्लड भाई पता है कि भाई और एंट्रोव्यू ने क्या बोला है कि मेरे को उनने अपनी साइड करने की कोशिश की क्योंकि मेरे को ये प्लान के बारे में उन लोगों के सामने पता लग गया था तो उज्जवल ने मेरे को ये बोला कि हम लोग ऐसा करें कि हम तीनों एक टीम में रहते हैं और जो भी चीज इधर से ना जैसे क्या होता है कि हम चीजें करते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है तीन हाँ। चार घंटे माइनिंग करो उसके बाद सब इन लोगों से ये लोग ना एम्ब्रेल में कुछ चीजें पोटाटो वगैरह देगी एम्ब्रेल खरीदेगे और एम्ब्रोड एम्ब्रेल से ना वो सब चीजें खरीदेगे लाइक एंचाइटेड चीजें खरीदेगी और हमें वो लोग महंगे दाम में भाई तो ये सब इन लोगों का प्लान है तो वही चीज को ना मैं अभी तुम लोगों के सामने भांडा फोड़ रहा हूँ फ्लिड भाई इन लोगों का ये प्लान है और मेरे को अपनी साइड करने की कोशिश की बट मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी टीम बनाऊ और तुम्हें पता है कि नेक्स्ट वाली जो हिरोब्राहन एस एमपी स्ट्रीम होने वाली हीरो का उसके अंदर इलेक्शन होने वाला है हाँ हाँ तो हा, हा। इलेक्शन में वोटिंग होगी नो लोग है अभी हम लोग जो ज्यादा वोटिंग जिसको पांच वोटिंग मिलेगी वो लीडर बनेगा तो मैं चाहता हूँ की तुम मेरे को वोट दो तो हम लोगों ने देखो थोड़ा बहुत इन्फ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाया और जो हमें पता चला है भाई अगली स्ट्रीम पे तो मैं गारंटीड अज्जू भाई को ही वोट दे रहा हूँ भाई मुझे नहीं पता था यार ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज़ें हो रही है यहाँ पर एस एम पी में मैं बता रहा हूँ तुम्हें यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे मैंने तुम्हें इस वीडियो की स्टार्ट होते ही बोल दिया था कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है और भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है इस एस एम पी में तो दोस्तों मैंने पूरा का पूरा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसका वो पूरा का पूरा बना लिया है रुको पहले एक बार ऊपर चलते हैं ठीक है देखो मैंने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इसका पूरा बना दिया देखो कितना गजब भाई अभी से ये कितना अलग लग रहा है भाई उज्ज्वल भाई बोल रहे थे ना ये लिटरली एक अपनी खुद की विलेज लग रही है भाई लिटरली एक अपनी खुद की विलेज लग रही है अगर देखा जाए तो ऐसा <laughs> लग रहा है कितना बड़ा हुआ कितना फैला हुआ बिजनेस है भाई और ये भाई ये कंप्लीट हो के तुम लोगों को इतना गजब दिखने वाला है मैं तुम लोग को बता नहीं सकता कितना मस्त लगेगा ये ओके तो दोस्तों देखो आगे क्या है अब एक चीज करते हैं हम लोग कि अब हमें बनाना है प्लेटफॉर्म ढंग सर्कुलर टाइप का यहाँ पे बनाना है ठीक है तो अब हम लोग क्या करना है देखो ऊपर से एक छोड़ के ये ऐसे करके हम लोग इनको जोड़ते हैं ठीक है तो फटफट फट करके मिलता हूं मैं तुम लोगों को इनको जोड़ के भाई ये बहुत डिफिकल्ट चीज उन वाली ऐसे तो दोस्तों ये हो गया हम लोगों का पूरा का पूरा जो सर्कुलर हमने बनाना था वो अब हम लोग थोड़े से पहले लेके आते हैं स्टोन के स्मूथ स्टोन के स्लैब्स ठीक है तो स्मूथ स्टोन के स्लैब्स मैंने कहा रखे थे हाँ डर्ट छोड़ देते हैं अभी के लिए ये रहा ठीक है एक्चुअली डर्ट रखनी पड़ेगी अब ठीक है वो मैं बताता हूं आगे जाके क्यों तुम लोगों को दिखेगा ओ उज्ज्वल भाई और एंड्रू भी जस्ट ज्वाइंट हम्म क्या चल रहा है आज यार आज दाल में कुछ काला है लग रहा है मेरे को यार मैं बता रहा हूं यार आज जब मैंने घर बनाने की सोचा तो हीरो ब्रेन एसएमपी में बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं इतनी रात को उज्जवल भाई और एंड्रू भी दोनों तो दोस्तों आप देखो अब हमें क्या करना है अब हम लोगों को निकालना है अपने स्टोन के स्लैब्स और बीच वाला एक छोड़ के हम लोगों को इनमें तो पूरा भर देना है पर इस वाले में बीच वाला एक छोड़ के सिर्फ तीन में भरना है ठीक है तो हम लोगों को उसी हिसाब से चलना पड़ेगा चलो वो 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 तो दोस्तों हम लोगों ने पूरा का पूरा बना दिया अब हम लोगों को सिर्फ क्या करना है यहां पे पूरा का पूरा मिट्टी डालनी है मतलब समझ लो इस पूरे एरिया में हम लोगों को मिट्टियां डालनी है देखो गेट रेडी फॉर दिस ये सारा शवल और ये सब करते हैं भाई ये लिट... भाई फिर तुम लोग हो तो यार देख रहे हो ये देखो भाई इस बंदे को ब्रो ये देखो

ये देखो ये काम है इसके देख रहे हो ये देख रहे हो इसको ये काम है इसके भाई मिलियन का चैनल है शर्म दो रुपए की नहीं है इस आदमी को पता तुमको मिलियन का चैनल है शर्म दो रुपए की नहीं है इस आदमी को ओके तो भाई वो जो सर्कुलर था वो मैंने बना दिया है और अभी इसको हम लोगों ने ऊपर भी कर दिया है अब हम लोगों को बस क्या करना है देखो मैं बताऊँ तुम्हें हम लोगों को सिर्फ ये करना है कि जो हमने थोड़े बहुत स्लैब्स और बचे थे ना अब हम लोगों को ये स्लैब्स का भी यूज आएगा और हम लोगों को और थोड़े से ओके स्लैब्स होंगे फॉर दिस देखो हम लोग क्या करने वाले हैं मैं ऐसे करने वाले हैं कि हम लोग इन सारे के सारों को कनेक्ट करेंगे आपस में ठीक है ऐसे करके और इनके ऊपर लगाएंगे एक एक ये स्लैब ठीक है तो जल्दी से मैं ये करके आप लोगों से मिलता हूं भाई स्पेसिफिक यहीं पर मैं मजाक भाई मैं तुम लोगों से मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ यार जहां पर मैं जाता हूँ वहीं पे क्रीपर फटते एक बार ये देखो यार यार मैं यहाँ पर आई वो देखो एक और आ गया तो गए ये देखो ये एरिया में मैंने पूरा का पूरा जैसे था कि कनेक्ट करना था और इनके ऊपर लगाते थे स्लैब मैंने लगा दिए अब हम लोगों को इसमें सिर्फ और सिर्फ डर्ट भरनी है जल्दी से जैसे कि हम लोगों ने सेंटर पे भरी थी ठीक है ऐसे वाला नहीं नीचे वाला हटा देते हैं ठीक है तो जैसे कि हम लोगों ने सेंटर में भरी थी वैसे सेम यहाँ पर भी हम लोगों को जल्दी से डर्ट भरनी है तो मेरे को तो दो, दो मिनट में फट फट यहाँ पर डर्ट भर के मिलता हूँ तुम लोग इसे ओके तो दोस्तों ये वाला कंप्लीट हो गया देखो यहाँ पर भी हमारा एक फार्म होगा तगड़ा वाला ठीक है और अब हम लोगों को बनाना है ये वाला घर ठीक है ये होगा हमारा फार्म जो भी हम लोग यहाँ से तोड़ेंगे सीधी सी बात है हम लोग यहाँ ला के सबमिट करेंगे जमा करेंगे तो देखो इसमें तो इसको मैं ज़्यादा ऐसा कुछ फैंसी अलग सा नहीं बनाएंगे ठीक है हम लोग इसको नॉर्मली रखेंगे जैसा है ये 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 और इसको जरा तोड़ देते हैं यहाँ पर हम लोग अपना दरवाज़ा फिट कर देंगे लेकिन यहाँ के लिए यहाँ के लिए हमको अपसाइड डाउन स्टेयर्स चाहिए होंगी ठीक है एक मिनट ये अंदर को लगी गलती से अपसाइड डाउन स्टेयर्स ऐसे करके चाहिए होंगे यार ऐसे मैं कैसे बताऊँ रुको मैं उसको थोड़ा सा बाहर को जाना पड़ेगा ठीक है मैं ये दोनों तोड़ता हूँ हमको चाहिए चाहूँगी अपसाइड डाउन स्टेयर्स ऐसे बिल्कुल सही अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ग्लास के पेन और वो बहुत कूल लगेगा ठीक है ऐसी करके हमको चारों तरफ से चाहिए अप साइड डाउन के वो लेकिन यहां को छोड़ के देखो ये ये वाला रास्ता और यहां से ऐसे करके निकलेंगे ताकि हम लोग यहां पे गोल गोल घूम सके समझ रहे हो तो दोस्तों मैं अपना सारा का सारा सामान नीचे वाले से लेके आ गया हूं, अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसको लगाना है और उसके बाद अपना सारा का सारा जो ये वाला एरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा बस यहां पर क्या उगाएंगे वो देखना है बाद में ठीक है तो ये देखो इसी के साथ साथ हमारा ये एरिया हो गया कंप्लीट ठीक है ये हमने लास्ट लगा दिया है और ये कंप्लीट हो गया एक्चुअली मैं लैंडन से लाया मेरे को यहाँ जहाँ मैंने छेद करके ना यहाँ पे मैं लेंटेन लगाने की सोच रहा हूँ तो यहाँ पर और दूसरी साइड पे दोनों साइड पे हम लोग लैटेन्स लगा देंगे इससे क्या होगा अंदर भी लाइट आएगी और बाहर भी लाइट आएगी दोनों साइड पर सोर्स रहेगा ऊपर वैसे भी खाली छेद छूटता है इससे बढ़िया मैंने सोचा है कि क्यों ना ऐसा ही कर लें ठीक है अब हम लोग आते हैं इस साइड को हम लोगों को सिंपल यहाँ पर पहले बेस भर देते हैं ठीक है पूरा का पूरा ओके okay, तो दोस्तों ये वाले के साथ भी हमने सेम करना है जैसे कि हम लोगों ने करा था लास्ट वाला इस वाले घर के साथ तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया ये एक्चुअली मैंने छोटा बनाया थोड़ा सा तो वो ठीक हो गया है अभी देखो ये 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 और ये ठीक है तो ये हमारा दरवाजा हो गया और जैसे कि तुम लोगों ने देखा ही था लास्ट टाइम वाला तो सेम उसकी तरह हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपसाइड डाउन स्टेयर्स लगा देंगे यहाँ पर ठीक है अंदर चलते हैं और इस वाले को तोड़ देते हैं ठीक है और सेम चीज हमको करनी है तीनों साइड पे ठीक है तो ये देखो हमको लिटरली सब साइड से सब कुछ दिखेगा कि कौन क्या कर रहा है हमारे घर के आसपास लेकिन लोगों को ज्यादा पता नहीं चलेगा इसकी छत के लिए भी हम लोग सेम चीज करने वाले जो कि हमने लास्ट वाले की छत के लिए करी थी ठीक है ओके तो दोस्तों ये देखो हम लोगों ने जितना करना था यार मतलब वो वाला काम जो था वो हम लोगों ने कर दिया है और सेम चीज मैं यहाँ पर सेम वही करने वाला हूँ कि हम क्या करेंगे हम लोग ऐसे और ऐसे और ऐसे करके एक लगाएंगे पर यहाँ पर हम लोग डालेंगे क्या गाइस बाद में नीचे से लेके आऊँगा मैं लैंटर्न रखेंगे यहाँ पे ठीक है ताकि इधर को भी लाइट आए और इधर को भी लाइट आए एंड इसको तो इस वाले को बस मैं पूरा ढक देता हूँ मेरे ख्याल से ये यहाँ पर लैंड वैसे सही भी लगेगी हाँ यहाँ पर भी एक डाल देंगे ना और ऐसे करके हम लोग उस साइड भी एक डाल सकते हैं तो वो दोनों फिर मैच करेंगे तो कूल लगेगा तो गाइस जो ये वाला हाउस है सेम टू सेम हम लोगों को उस साइड भी बनाना है तो मैं फटा फटाफट से बनाता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ दो सेकेंड के अंदर यहाँ भी मैंने वही सेम गलती कर करके हमें एक प्लेटफॉर्म उठाना पड़ेगा हाय राम भाई इतना ज्यादा टाइम लगाना है इस घर को बनाने में मेरे को आई होप ये अच्छा लगे लास्ट में यार अच्छा ही लगेगा यार तुम्हारा भाई बना रहा है भाई यार ऐसे क्या खराब कैसे लगेगा यार तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ वाला भी कंप्लीट कर दिया है सेम बस हल्का सा ये ये वाला टच दे देते हैं इसको ठीक है जो हमारा लैंटर्न वाला टच रहेगा बस ये 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 और एक उस कमरे में जाके और हमको यहाँ दरवाजे भी लगाने हैं बाय द वे हम लोगों ने दरवाजे लगाए अभी तक का ओके तो दोस्तों लास्ट वाली टाइल पे हम लोग आ चुके हैं और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्लम लाइक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बट ये काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है ये बस लास्ट वाली टाइल हमारी बस्ती है जो कि ये वाला एरिया है ये वाला शायद से मैं अपना घर बनाऊंगा यहाँ पर मतलब जहाँ पर मैं सोगा एंड एवरी थिंग उनको पहले ये ना भाई हम लोगों को ना थोड़ा रिसोर्सेज बचा के चलनी पड़ेगी तो हम लोगों को थोड़े स्लैब्स का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ़ जो नॉर्मल हमारे ओक के प्लैंक्स हैं ठीक है इससे अपना बहुत ज़्यादा बचेगा मजाक से हट के ठीक है तो हम लोग ये कर देते हैं इसको पहले पूरा का पूरा फ्लोरिंग यहाँ पर दे देते हैं और ये काटने पड़ेंगे मेरे को फिर से देर वी गो ठीक है बस बढ़िया ठीक है तो यहाँ पर हमारा डोर आएगा सेंटर पे और दोनों साइड पर आएगा हमारा ऐसे करके बंद एकदम घर ठीक है तो दोस्तों देखो इसमें भी हम लोगों को सेम चीज़ करनी है हम लोगों को अप साइड डाउन स्टेयर्स लगानी है ठीक है मतलब बेसिकली यहाँ पर जितने भी घर हैं उनका हम लोग एक तरह से सेम चीज़ रख रहे हैं ठीक है थीके? कि उनको हम लोग कैसे दिखाने वाले तो उ -उ -उ और थोड़ी और स्टेयर्स हैं मेरे पास हाँ ठीक है तो हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग यार सीटी दबा के निकल सकते हैं हाँ ठीक है बढ़िया बस इसको एक मैं अलग से काट दूं ठीक है बस अब हम लोग निकल जाते हैं ठीक है तो सेम चीज़ हम लोगों को हर हर डायरेक्शन से करनी है हर एक और ये वाले जो ये ऊपर से एक्स्ट्रा निकला वाना है इसमें भी हमको सेम चीज़ करनी है तो फटाफट -फड़ से मैं करता हूँ और उसके बाद आप लोग दिखाता हूँ मतलब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया घर लेकिन थोड़ा बहुत काम अभी बचता है तो वो करने के बाद जल्दी से मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कितना कूल लग रहा है भाई ये तो दोस्तों हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर दिया एक्चुअली एक मिनट रुको यार छी यार जैसी मैं आया ना कि दोस्तों इसको कंप्लीट कर दिया मुझे दिखा कि मैंने सामने वाले एरिया में कुछ काम ही नहीं करा <laughs> गजब भेजती है यार और एक स्टेयर मेरे ऊपर फंसे हाँ ये रही ठीक है तो देखो ये हो गया इसके साथ लास्ट स्टेयर ये और अरे, अरे 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 ये लो ठीक है तो इसी के साथ ये हो गया कंप्लीट दोस्तों ठीक है अब बस इसकी छत पड़नी बाकी है और दरवाजा लगना बाकी है तो अब हम लोग इसकी छत बनाए थे फटाफट -फड़ से दो मिनट दो मेरे को भाई लिटरली पता है तुमको ये पूरा ना ये पूरा बिल्ड जो है ये पूरा बिल्ड टाइम लैब्स में ही होने वाला है क्योंकि इसमें बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊँ यार तो दोस्तों देखो जैसे हम लोग नॉर्मल वाले घर में क्या करते है? हम लोग जस्ट बना रहे थे और चल दे रहे थे लेकिन ये वाला घर थोड़ा सा लगे और ये वाला मेरा बेडरूम भी होने वाला है दोस्तों तुम्हारा भाई यही वाले घर में रहने वाला है तो हम लोग क्या करने वाले हैं जैसे ये हो गया अब मैं इसको फ्लैट करने की जगह सेम हम लोग यही स्कोप वाली चीज़ इसमें भी करेंगे दोनों साइड वाले में तो चलो जल्दी से इसको करते हैं कंप्लीट ठीक है मेरे को फिर से तुम यही है बस ये पूरी वीडियो में दो मिनट ही मांग रहा हूँ मैं ओके तो दोस्तों हम लोगों ने मैक्सिमम सारी की सारी चीज़ें बना दी जो जो चीज़ें हमको बनाई थी बस थोड़ा डोर्स और लैंटर्न इन्जर्ट करने हैं और और उसके ऊपर हम लोगों को ये जो जितनी भी हमारी ये है ना जैसे यहाँ पर अभी हमारी फसल उगनी चाहिए वो सब चीज़ें तो वो करनी है तो लास्ट के कुछ काम करके भाई ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तुमको पता है बस इसमें थोड़े चेस्ट वेस्ट इंस्टॉल करेंगे वो तो हम लोग धीरे धीरे करके करेंगे बोले ऐसा नहीं क्योंकि जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो चीज़ें धीरे धीरे करके इंस्टॉल हो पाएंगे ऐसा नहीं होगा कि एकदम से मैं कुछ भी डाल सकता हूँ ओके तो दोस्तों जितना हम लोगों को सामान चाहिए था सारे सीड्स कुछ मैं लेके

ओके okay, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहां से ऐसे करके इसको लेके आएंगे ठीक है और ये कर देंगे और सेम हम लोग यहां से इसको ऐसे करके लेके आएंगे और ये कर देंगे और इसको तोड़ देते हैं ठीक है ऐसे करके हम लोग चारों साइड से पहले डार्क ओक की आ, ले लेके आते देर वी ओके तो गाइज एक सीन हो गया ठीक है <laughs> तो सीन क्या हुआ है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ चार क्या कहते के हैं अपनी फेंसेज पड़ी है डार्क ओक की और यहाँ पर दोनों साइड फेंसेज लगानी बेच रही है तो अभी के लिए मैं यहां पर लगा रहा हूँ ओक की फेंसेज ठीक है नॉर्मल ओक की फेंसेस लगा रहा हूँ बट मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसको गारंटीड चेंज करूंगा ठीक है जल्दी से जल्दी ला क्योंकि डार्क ओक यहाँ पर नहीं है यार बहुत दूर की विलेज में डार्क ओक तो इसलिए मैं जा नहीं रहा हूं अभी और यहाँ पर भी जरा एक दो लैंटर्न लगा देते हैं यहाँ भी लगा देते हैं और मैं अभी तुम लोगों को शेडर्स में दिखाऊंगा और तुम लोग देखो क्या पागल होने वाले देखो तुम लोग बस ठीक है यहाँ पर हम लोगों को लैंटर्न चाहिए होगी ओ मैं डोर लाना भूल गया राइट बट ये यह देखो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे नॉर्मल फेंस लगाएंगे ठीक है ताकि हम यहाँ से नजर रख सके ठीक है वैसे कायदे से तो यहाँ पर नज़र रखने लायक कुछ है नहीं तो मैं सोच रहा हूँ इसको बोर्ड ऑफ ही कर देते तो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है इसको ना बंदी रखे तो ज़्यादा बढ़िया होगा हाँ उस साइड जो दूसरी वाली साइड है वहाँ पर मैं नजर रखने वाला बनाऊंगा बट यहाँ पर मैं बंदी कर रहा हूँ इसको ठीक है तो इस वाले एरिया को हम लोग कर देते हैं बंद बस इसमें दो खिड़कियाँ डाल देते हैं ठीक है बढ़िया एक ऐसे ऐसे करके एक खिड़की डाल देते हैं यहाँ पर कांच की वी गो अरे कांच की खिड़की यार जेल थोड़ी ना बनानी है वी तो गो ठीक है तो यहाँ पर हमने कांच की खिड़की डाल दी है जस्ट इन केस अगर हमें देखने का मन किया कि बाहर चल क्या रहा है आखिर वैसे हम लोग यहाँ से भी आके देख सकते थे राइट यहां से मैं नजर रखने वाला बना सकता हूँ तो ये मैं ऐसे कर देता हूं ठीक है तो यहाँ से कोई आ नहीं सकता जा जाने आ तो सकता है अगर कुछ उसने उल्टा सीधा करा बट यहाँ से मैं सब पे नजर रख सकता हूँ जितने लोग भी है एस में जितने लोग भी है उनको मैं देख सकता हूँ कि वो कर क्या रहे करके ओके तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने सारी जगह पे जहाँ जहाँ पे लेंटन्स होने चाहिए वहाँ वहाँ पे लेंटन्स लगा दिया अभी थोड़ा बहुत लाइट का और सोर्स लगाना बाकी जैसे कि टॉर्चेस मैंने ले लेके ले आया हुआ ठीक है तो वो भी लगाते हैं बट उससे पहले यार क्या करते पता है यहाँ पे खेती करते थे ताकि जल्दी जल्दी हमारी फसल उग जाए और हम लोग फिर उसके बाद कर भी पाए बाकी का काम आगे का तो गाइस सेंटर वाला जो था वो हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है अब आती है बारी दूसरे वाले की दूसरे वाले में मैं अभी के लिए सोच रहा हूँ गांजर उगाने की है तुम लोग सोच रहे हो गांजर क्यों मेरे दोस्त आखिर तुम गाजर ही क्यों उगाना चाहते तो द थिंग इज मैं ये सोच रहा हूँ गाजर को लेके कि समझ रहे हो हम लोग गोल्डन आ, क्या कहते हैं कैरेट्स बड़ी इजीली बना सकते हैं जिसको पता है गोल्डन कैरेट्स आर द लाइक मोस्ट यूजफुल थिंग्स इन दिस गेम और बड़ी इजीली अवेलेबल रहती हैं तो उसकी वजह से ठीक है तो बट वी आर गोइंग टू डू इज डायगनल से एक दो तीन चार चार छोड़ के एक जगह पर गड्ढा कर देंगे यहाँ पर हमारा पानी आएगा सेम एक दो तीन चार डायगनल से एक गड्ढा कर देंगे यहाँ पर हमारा पानी आ जाएगा ठीक है अब ये इस साइड को संभाल लेगा अपनी और ये इस साइड को संभाल लेगा ठीक है ओके okay, तो गाइस हमारा घर हो चुका है एकदम कंप्लीट और जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई साहब क्या लग रहा है भाई ये देखो सेंटर पे एक प्यारा सा हमारे पास फार्म है जिसमें हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं और बहुत बड़ा भी है और यहाँ पर देखो दो रूम्स हैं हमारे चेस्ट रूम बन सकते हैं या फिर जो भी हमको बनाना है वो हम लोग बना सकते हैं और उसके बाद हम लोग अगर इस पे चलते हैं। देखो कितना कूल चीज है देखो पानी के ऊपर मस्त ऐसे चल रहे भाई भाई व्यू समझ लो ओशियन व्यू वाला घर मिलेगा तुमको अगर तुम यहाँ पर आते हो और ये मैं अपना मेन घर बनाने की सोच रहा हूँ ठीक है ये वाला मैं अपना मेन घर बनाने की सोच रहा हूँ यहाँ पे अपना बेड बैट डालूंगा मैं थोड़े चेस्ट डालूंगा एंडर चेस्ट डालूंगा ठीक है ताकि कोई भी चोरी ना करे और ये भी एक और एरिया है जहां पर हम लोगों ने सेम चीज करी हुई है मैं हो सकता है रेंट पे दे दू आ, हीरो ब्राइन एस एम पी के मेंबर्स को अगर कभी उन्हें समझ लो लहरों के ऊपर सोना हो और यहाँ पर तो मैं भाई चेस्ट डालने वाला हूँ ठीक है बहुत सारे ऊपर और यहाँ साइड पे ये जितना भी मैं कैरेट यहाँ से माइन करूंगा सारा का सारा कैरेट लेके जाऊंगा भाई रात को क्या लग रहा है घर एक बार देखो भाई शेट यार ये सारी की सारी लैंड टर्नस हो गई और ये सब हो गया भाई ये क्या मस्त चीज है ना नहीं भाई 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 कसम से यार ये घर भाई बनाने में मुझे जितना टाइम लगा ना मैं ही जानता हूँ क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज्यादा वुड एंड एवरीथिंग लगा है मेरा और अब जाके ये कंप्लीट हुआ तो ये क्या मतलब एकदम प्राउड वाली फीलिंग हो रही है ना एक एक नंबर मजा हो अब एक बार ही देखते हैं कि अगर एस में कोई है तो उन मेंबर्स को लेके आते हैं उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है क्योंकि देखो कायदे से घर कंप्लीट हो गया पर अभी ये घर जैसा है नहीं ना इसमें चेस्ट है ना बेड्स है ना कुछ है वो मैं धीरे धीरे करके डालूंगा एज द स्टोरी कंटिन्यूस क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग खाली बना देते हैं उसके बाद जो जो चीज़ें हमें चाहिए चीज़ होती है हम एक एक करके ऐड करते तो मैं भी सेम चीज़ करूंगा एक एक करके ऐड करूंगा आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना कि ये घर आपको कैसा लगा अज्जू भाई शान भाई कहा अरे भाई भाई, हम अरे भाई, भाई? आप पे? ओ दिखे दिखे ओ भाई ओके हमने बनाया देखो कैसा भाई भाई भाई, तो भाई 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 ये कैसे बनाया आप इसके ऊपर था हाँ, को, को आप आप एक छोटा सा काम था मैंने अभी अभी अपना घर कंप्लीट करा तो आप लोग आके देख लोगे बस एक बार कि कैसा लग रहा है देखते देखने के लिए नहीं आएगा तुम बेड बेड लगाओ अपन सोए गए अरे भाई भाई डर डर है दन है आ जाओ अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई।, भाई भाई रेंट क्या भाई फ्री में रहो मस्त तो मजा है ना दो तीन कमरे तो बनाए अरे तो अरे कमरे कह रहे हो आप घर मिलेंगे आपको पूरे अरे 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 अरे, क्या बात है मेरे को लगा था आपको क्या ओ भाई यहाँ से दिख रहा है मुझे तो ये भाई ये क्या चीज भाई अच्छा बस एक ही चीज की कमी है अभी ऊपर <laughs> इस... कैसे <laughs> तो अभी उपार उपार के से से हैं। अभी के अभी के ऐसे चलते हैं फिर मैं बनाता हूँ <laughs> मेरे ख्याल से एसएमबी का बेस्ट घर है वाला रुको रुको रुको, रुको, रुको मैं अज्जू भाई के आ जाओ अज्जू भाई जो देखता हूँ ना मैं भाई सब ये देखो ये तो बीच में फार्म वगैरह सब कुछ है इसमें ये भाई तुमने बनाया भाई पैसा वसूल हां बस बनाया। अब इसमें बेड और थोड़े चेस्ट रखने हैं बाकी तो स्ट्रक्चर तो पूरा बना दिया बाकी, सब बाद में करो पहले ऊपर आने का रास्ता सही करो हां यार अरे यारिशान भाई <laughs> का क्या फायदा जब ऊपर आने का रास्ता ही नहीं है अरे यार बाकी वो भी बनाया मजा आ गया भाई मजा है ना सब सही है सब सही है इसमें बस एक ही गलती है बोलो काम में हम इधर देखो इधर आ जाओ इधर आ जाओ वो सामने क्या दिख रहा है आपको कुछ दिख रहा है क्या क्या ये कूड़े कबाड़ जैसा क्या है मतलब क्या कह रहा है आप वही तो ना कबाड़ है, <laughs> देख, देख, है मैंने नहीं बोला तेरे घर का कबाड़ तो गाइस हमारा घर फाइनली कम्प्लीट हो गया है भाई क्या खतरनाक प्यारा लग रहा है भाई सही में मजाक नहीं करो सो प्राउड टू मेक लाइक कितना गजब लग रहा है आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना आप लोगों को ये घर कैसा लग रहा है और भाई लिटरली ब्रो SMP में सबके घर देख के ना मैं थोड़ा सा ऐसा था यार कि क्या मेरा घर थोड़ा भी अच्छा लगेगा क्या मेरा घर थोड़ा भी अच्छा लगेगा पर राइट नाउ ये घर जो खतरनाक एकदम प्यारा सा लग रहा है ना मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को भाई एक बार एक बार देखो इसको रुको मैं एक काम करता हूं मैं तुमको यहां पर से थोड़ा सा व्यू देता हूं हाइट वाला ठीक है ये देखो भाई इसको एक बार भाई क्या लग रहा है ना भाई कसम से यार इतना क्रेजी प्यारा लग रहा है ना ये घर भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था सब लोगों के घर देख के यहाँ पे हीरो ब्राइन एस में कि भाई क्या क्या बना रखा है सब लोगों ने भाई गजब गजब घर मेरा घर अच्छा लग गया ही नहीं लगेगा बट राइट नाउ अब मैं देखता हूँ ना भाई ये जो क्रेजी चीज़ मैंने बना दिया ना भाई ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है भाई कसम से मज़ा ही आ गया बिल्कुल ओके okay, तो guys, ये थी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा भाई मजाक से हटके मैं दिन के दो बजे लगा हुआ और कसम से अभी अभी रात के दो बज रहे हैं इस टाइम पे तो भाई जिसने भी लाइक नहीं दबाया लाइक दबा दो ट्वेंटी थाउजेंड था। लिए जा रहे हैं और जो भी ना प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू हंड्रेड के बहुत क्लोज आते जा रहे हैं तो प्लीज अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो कर देना ऐसे ही ऑसम कॉन्टेंट ले और हीरो प्राइन में क्या क्या चल रहा है वो जानने के लिए भी ठीक है तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाय बाय थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली वे